मनेर थाना क्षेत्र के सराकहारी टोला नदी से तैरता अवस्था में पुलिस ने शनिवार को एक शव बरामद किया है। शव की पहचान मनेर थाना क्षेत्र के सराकहारी टोला के निवासी राजकुमार राय का पुत्र मोनू कुमार के रूप में हुई है। बता दें, नदी से शव मिलने की सूचना पर शव देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। शव मिलने की खबर पर मृतक के परिजनों में रो रो कर बेहद ही बुरा हाल है। बता दें चले कि घटनास्थल पर पहुंची पुलिस शव को नदी से बाहर निकलवाया और शव को कब्जे में लेकर अनुमंजली अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के लिए उसके बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। मालूम हो कि युवक मोनू कुमार की लापता होने की खबर मृतक युवक के पिता राजकुमार राय के द्वारा थाने में लिखित आवेदन देकर 26 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज कराया था। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वही मृतक के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगाया है। इस संबंध में पटना नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी अभिनव धीमान ने बताया कि शव बरामद हुई है, जिसका मनेर थाना में अपहरण का मामला दर्ज था। हालांकि हत्या कब और कैसे हुई है यह जांच का विषय है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। जल्द ही हत्याकांड का उद्भेदन कर लिया जाएगा। निधि सिंह के साथ मनेर से आनंद मोहन की रिपोर्ट। आज दिनांक 3/2/24 को सरारी नहर टोला, जो सराय यूपी में मनेर थाना अंतर्गत पड़ता है, वहां पे एक शव जो नहर में डूबा हुआ था वो बरामद किया गया है। इस शव की पहचान मोनू कुमार, जो सराय ओपी के रहने वाले हैं, उनके रूप में हुई है। परिजनों द्वारा उनकी पहचान की गई है। इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 26/1/24 को मनेर थाना अंतर्गत दर्ज की गई थी। इसमें पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है। पोस्टमार्टम उपरांत इसमें निर्णय लिया जाएगा। उसके अलावा परिवारजन द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर भी अनुसंधान किया जा रहा है। इसमें सीसीटीवी फुटेज व अन्य साक्ष्यों को भी अनुसंधान किया जाएगा। उसके उपरांत इसमें जो है निर्णय लिया जाएगा।